मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा अगर सचिन सीएम बने। ये कन्फ्यूजन जो सचिन का बार बार आता है ना, ये इसलिए आता है। मैं तो चाहता हूं कि बहुत जल्दी सीएम बने, पीएम भी बने यार, समाज का लड़का बनेगा क्या बुराई है उसमें। एक सवाल आया था मुकेश का कि सचिन पायलट अगर इसी कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या आप खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे? मैं तो कह ही रहा हूँ कि 4 साल से बन जाना चाहिए। मैं तो गले लगाऊंगा, जप्पी दूंगा, एक मिठाई और खिलाऊंगा। ये कोई प्रश्न होता है करने का? मतलब आपकी मानसिकता भी ठीक नहीं हुई है, मानसिकता ठीक करिए। समाज का लड़का है वो, मैं नहीं, पूरा पूरा गुजरात उसको मिठाई खिलाए। एक जगह कहीं आपने ऐसा कहा बताया? मैंने कहा है, बिल्कुल कहा है। सचिन पायलट है क्या एक विधायक? बिल्कुल सही कहा है मैंने, गलत क्या कहा है? मैंने देखा जाए तो सही है, काट पीट नहीं। मैंने कहा क्या है ना कि अब लड़कों ने उसी अब आईटी सेल वालों ने उसको काट काट के मेरे को मेरी क्लास लगाने के लिए कर दिया। नुकसान क्या हुआ कि सचिन पायलट की आधी बात चली और पूरे भारत में चला गया कि सचिन पायलट क्या है कि साधारण एमएलए। जबकि मैंने ये कहा था कि सचिन पायलट को 4 साल पहले एमएलए के सीएम बन जाना चाहिए था। पूरे समाज ने एक मुश्त होकर के वोट दिए, सचिन पायलट को डिप्टी सीएम भी बनाया, सचिन पायलट को 2 कैबिनेट पोर्टफोलियोस के साथ में पीडब्ल्यूडी का और पंचायती राज का मिनिस्टर भी बनाया। आज क्या है सचिन? अभी तो केवल एक क्या है, टोंक से विधायक, साधारण एमएलए है। कद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं आज की तारीख में पद क्या है, धरातल धरातल पे क्या है। फिर मैंने ये भी कहा कि ये वही बात हो गई कि पार्टियों को हमने वोट दिए, मिला क्या? कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने और जग हंसाई 100 अलग। अब आज दुनिया में लोग कहते हैं भैया पूरे गुजरों ने वोट दिया, सरकार बना दी, मिला क्या? लेकिन उन्होंने एक बात और जोड़ी है दशरथ पटेल ने। क्या कह रहे कि सचिन पायलट के बराबर भी नहीं हो तुम तो। हाँ तो मैं कब कह रहा हूं, मुझे छोटा है उम्र में, उससे बड़ा हूं भैया, मैं उससे बड़ा हूं उम्र में, क्या दिक्कत है? छोटा भाई है मेरा, क्या प्रॉब्लम है? और मेरे को बराबरी करनी क्यों है? बराबरी तुम करा रहे हो, इसलिए लेट्स नॉट इवन डिस्कस इट। सचिन इज अ गुड मैन, ही शुड ग्रो इन लाइफ, इज अ स्मार्ट बॉय यार, अच्छा लड़का है, खिलखिलाता है, हंसता है, जब वो हंसता है तो उसकी आंखों में ट्विंकल आती है, वो तुमको दिखता नहीं है, अच्छा लड़का है, ग्रो करना चाहिए उसको। मैं तो चाहता हूं कि बहुत जल्दी सीएम बने, पीएम भी बने यार, समाज का लड़का बनेगा क्या बुराई है उसमें। अब ये देखना है कि उसकी पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आने वाले दिनों में पार्टी को निर्णय लेना है। मैं कौन होता हूं निर्णय लेने, और तू कौन होता है निर्णय लेने वाला? तो आपसे बन पड़े तो कल बना दो भाई, लेकिन बनाना तो पार्टी को है ना। मेरी ये कहना है अच्छा, इज अ गुड बॉय। सचिन एक लर्नेड लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, सिंसियर है, ठीक है। कर्नल साहब के और राजेश पायलट जी के अच्छे संबंध थे, घरों में हमारा सबका आना जाना हुआ करता था। ये तो भ्रांतियां बना रखी हैं भाई साहब। देखो ऐसा है, मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा अगर सचिन सीएम बने। ये कन्फ्यूजन जो सचिन का बार बार आता है ना, ये इसलिए आता है कि मुझे पता नहीं मीडिया वालों को क्या प्यार मिला हुआ है। बार बार कुछ भी कुछ सचिन को बीच में ले आते हैं, अच्छी बात है, इससे सचिन की भी पॉपुलैरिटी और एनहांस होती है, और सचिन के लगे लगे मेरी भी हो जाती है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है।